ऊपर लगने वाले ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बना देता हूँ, लेकिन उसने आया देखा चले गया। मेरे पास बीएमसी वाले को दिए, बीएमसी वाला कोई आने को राजी नहीं है। चोरी हो गई उधर, आप देखिए पूरी गाड़ी अंदर घुस गई। लाकड़ा वाला आके गया, बीएमसी की बड़ी लीडर भी आके गई, अभी तक कुछ आप नहीं किया, खाली आके देख के गए। ये सब खाली आके ऑपरेटर वगैरह को नहीं, नहीं, नहीं खाली बोल बच्चन आते हैं, बेफिक्र लो काम हो जाएगा, आते हैं बोल बच्चन देते हो जाएगा। अभी इलेक्शन आने वाला है तो आप लोग, इलेक्शन आएगा तो हम लोग लोगों को बताएंगे आप लोगों के इलेक्शन। और इस वक्त आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस, इस वक्त हम मौजूद है डोंगरी के एक चावल गली एरिया में। यहाँ पे जनता का पहले भी हमें कॉल आया था 8-10 दिन पहले, और फिर हमें उस कवरेज को जनता ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था और कहा था उमर लकड़ा वाला साहब और उनके जो कारिंदे हैं यहाँ पे मुस्तफा, उन लोग ने आश्वासन दिया है कि इधर पे जो ड्रेनेज का क्लीनिंग का काम कर देंगे, 2 दिन में क्लियर कर देंगे, टाइम मांगा है 2 दिन का, और उसके बाद हमें वो वीडियो और इंटरव्यू को हमको कैंसिल करना पड़ा उस कवरेज को। लेकिन आज वापिस से पूरी जनता चिढ़ गई है 8-10 दिन के बाद में, और यहाँ की जनता ने हमें वापिस बुलाया है इस ड्रेनेज लाइन का कवरेज बताने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इस 8-10 दिन से अभी तक जो उनको आश्वासन दिया जा रहा था इससे काफी दिनों से, 2 दिन में 4 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे और जनता का जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज का जो रोड पे भर जाता है पानी उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ और जनता आज चिढ़ के मारे हमें कॉल करे गुस्से में और यहाँ पे बुला के बाकायदा हमको पूरा ये ड्रेनेज देखिए, ये ड्रेनेज के बारे में बताया। इस ड्रेनेज की वजह से तकरीबन 6 इंच से 8 इंच तक का पानी यहाँ पे भर जाता है, सुबह में नमाजी लोग को तकलीफ होती है और दोपहर में जो यहाँ पे बच्चे लेडीज और बुजुर्ग या जो भी बाजार लेने के आते जाते हैं उन सबको यहाँ पे पानी में से गुजरना पड़ता है और गंदगी में से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। अस्सलामुअलैकुम खाला। अस्सलामुअलैकुम खाला, ये आपका मसला कैसा है इस गटर का लेकर? ये सुबह 5 बजे से चालू हो जाता है तो सुबह तक दोपहर तक का रहता है। तो ये मतलब ये जो कितने महीनों से या कितने दिन? महीने से हो गए सर, कोई दाद देता नहीं है, मुझसे पता दाद देता नहीं है इसको। म्यूनसिपाल्टी वाले आते आते जाके चले आते हो, जाइए कान से सुनते हो, कान से उड़ा के निकल जाते। तो ये जो कॉर्पोरेटर वगैरह उनके आदमी या कोई सब देखने के है, सब इलेक्शन लेने के है, बस वोट लेने के है, सब देख के चले पानी बहता है, देख के चले आते हैं, कुछ करते ही नहीं है। हमको 8-10 दिन पहले नमाजियों को तकलीफ होती है सर, सबसे पहले इतना से पानी पड़ता है, मैं खुद जाता हूँ मस्जिद में आने आने को तकलीफ होती है, मस्जिद है बाजू में गरीब नवाज मस्जिद है, आने आने को बहुत तकलीफ होती सर। ये 8-10 दिन पहले हमको कॉल आया था, हम इधर पे आने वाले थे, जब हमने जिस बंदे ने उधर आप घटना देखिए पूरी गाड़ी अंदर घुस गई, आइए मैं बताता हूँ। बिल्कुल उमर लगने वाले ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बना देता हूँ, लेकिन उसने आया देखा चले गया, आते देखते चले जाते, ये कल जाली चोरी हो गई, देखते है 6-2 मिनट। तो ये जो आप लोग कंप्लेंट करे उमर लकड़ा वाला या उनके जो भी बंदे यहाँ पे आते हैं देख के चले जाते, तो उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी खुदाई करते इधर खड्डा कर रहे उधर खड्डा कर रहे, मैंने उन लोग की बहुत मान रखा, 5 साल तक मैं छेद रहा हूँ। उन लोग ने कुछ आपको ऐसा कमिटमेंट दिया है कब तक करेंगे? हाँ बोले 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन। बीएमसी वाले आते लगाकर बोलता है गाड़ी नहीं है, कुलकर्णी साहब भागता है अकेला। तो ये जो कब से तकलीफ कब से ज्यादा? ये कम से कम 3 महीने से तकलीफ है पानी की। और ये खत्म, ये जैसे अभी इस वक्त क्लीन है तो ये खाली कब होता है पानी? नहीं ये सुबह 5 बजे चालू रहता है, दोपहर में 2 बजे खलास होता है। मेन टाइम इसका सुबह 5 बजे से 2 बजे पानी भरा होता है सर, सुबह 5 बजे पूरा पानी बन जावे। मैं लोगों में हाथ जोड़ा, पाइप लाइन बनाओ, अभी तक नहीं सुन रहे। रोड बनेगा जब बनेगा। तो ये देख सकते हैं इधर पे एक तरफ मस्जिद है, इस वक्त हम चावल गली में खड़े हैं और यहाँ पे वजर की नमाज ये होती है, 10 आदमी उधर रहते हैं वजर की नमाज। अच्छा, और ये मार्केट है, चावल गली मार्केट है, मेन मार्केट है। इधर पे पब्लिक जो है जनता है, सुबह में खासकर मार्केट का टाइम होता है, यहाँ पे जनता सुबह 5 बजे के बाद से ज्यादा वॉकिंग वगैरह बढ़ते जाता है और 9 बजे के बाद से तो और ज्यादा वॉकिंग होता है। और चलते अभी आगे भी देखते हैं, बात भी करते रहते हैं। ये देखिए ये ड्रेनेज का ढक्कन है, पूरी तरह से पलट गया है। 6 महीने से रोज बोल रहा हूँ 6 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है सर, उसका सबसे सॉल्व ही नहीं हुआ। इधर गाड़ी गिरती है, एक क्यों आती है, बस एक आती है। बिल्डर ने लोखंड डाल के रख दिया, ये लोखंड भी बिल्डर ने डाला है, मतलब किसी बीएमसी वगैरह, ये बीएमसी देखिए ये ड्रेनेज का हाल है, पूरा ड्रेनेज का ढक्कन पूरी तरह से पलट चुका है और आगे से जो ड्रेनेज की लाइन आई है, आगे से जो ड्रेनेज की लाइन है वो भी पूरी बह चुकी है।
तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी या कुछ भी आता है तो कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, मार भी लग सकती है, चोट लग सकती है। और यहाँ पे जो जनता है, दुकानदार है, सबका कहना है कि 6 महीने से जी आदमी का पैर भी टूट गया इधर। कैसे टूटा था? अरे गिर गया, अंदर गिर गए थे। तो फिर उन लोग ने कहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए? हमने दवाखाने से लेके हॉस्पिटल के जीजे में उन लोगों का फिर इलाज करा, उनका इलाज करा, क्या करे। तो ये कॉर्पोरेटर वगैरह को नहीं? नहीं नहीं, खाली बोल वचन, आते बेफिक्र काम हो जाएगा, आते बोल वचन देते हो जाएगा। तो अभी इलेक्शन आने वाला है तो आप लोग? इलेक्शन आएगा तो हम लोग इन लोगों को बताएंगे, बताएंगे अब इन लोगों के इलेक्शन कैसे जीतेगा, अब इन लोगों को बताएंगे हम। ये देखिए जन लाली पाक देके निकल जाते हैं, गाली देते हैं, लाली पाक देके निकल जाते हम लोग, लाली पाक बाद में आएंगे बनाएंगे, कल आएंगे बेचते सुबह में हम लोग। तो जनता का साफ कहना है लॉलीपॉप देते हैं और चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं और लोगों को मतलब एक तरह से आश्वासन दे देके बस उनको परेशान किया जा रहा है। जनता के अंदर काफी नाराजगी है, खाली जनता नहीं, ये आसपास के दुकान वाले हैं जिनकी तकलीफ है यहाँ पे रेगुलर। और इनका कहना है कि कॉरपोरेटर या उनके आदमी इधर पे आते हैं, देखते हैं, जो भी मार लगता है, चोट लगता है, बस देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं हाँ आप करेंगे, पहन देते हैं और उसके बाद पलट के नहीं आते। तो ये आगे मस्जिद है, मस्जिद का भी हम कवरेज करेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे भी क्या हालात है। चलिए, ये है गरीब नवाज मस्जिद चावल गली में। यहाँ पे जब सुबह में फजर में लोग आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा पूरा पानी बहता रहता है और इधर पे मतलब पानी ऐसा रहता है कि जाने आने की भी मतलब रास्ता नहीं रहता है। घूम के आता है आप ये इधर नमाज वगैरह पढ़ने आते हैं तो आप सुबह फजर में कहाँ से जाते हैं? पानी रहता है, पानी यहाँ से आदमी निकल नहीं सकता है। दूसरा नंबर कि ये कंप्लेंट कितने बार बीएमसी वाले को दिए, बीएमसी वाला कोई आने को राजी नहीं है। और साहब है ना, ये सब यहाँ आके देख के चले जाते हैं, मगर उसका नाला वो अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो बीएमसी के अलावा यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर या उनके आते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, बंद नहीं हुआ। बोल बच्चा खाली जी, वो खाली साफ करने को आते हैं ना, खाली साफ करने को तो पड़ा पर वो निकालते कैमरा भी, या कोई कैमरा निकाल वो तैयार नहीं, इतना पानी भरता है नमाज में कितनी जाएगी मस्जिद में। हम कवरेज करेंगे, फजर में भी आके कवर करेंगे, पानी बहते हुए लाइव दिखाएंगे जनता को, ताकि हाजिर रहेंगे। आप बोलेंगे तो लोग हाजिर रहेंगे, 5 बजे बोलो, 6 बजे बोलो, पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। बीएमसी के अधिकारी क्या बोलते हैं? 8 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, इधर रोड बनेगा जब हो जाएगा। आपने राइटिंग वगैरह में कोई कम्प्लेन? 25 मतलब आप बोल के जब देंगे तो राइटिंग में करके फायदा क्या? जहाँ जाके मैं सोशल वर्कर कर करके घंटा गया, पब्लिक 6 बजे घर पे आते। सर ओरली आप बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, वो बोलते हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन जब पूरा वीडियो बना के लोगों भेजा, पेपर वर्क होता है उसकी अहमियत खर्चे चालू करूंगा। ठीक है सर। तो फारूक भाई जो अपना को लाखड़ा वाला है ना, अभी 5 दिन के पहले आके गया, लाखड़ा वाला आके गया, बीएमसी की बड़ी लीडर भी आके गई, अभी तक कुछ काम नहीं किया, खाली आके देख के गए, ये सब खाली आते अपने दिखाओ के लिए, दिखावे के लिए आते हैं। जनता का कहना है अगर वो कुछ काम करते हैं तो फोटो वीडियो निकालते हैं, और लोग जो काम करते हैं उनका सफाई के लिए एक फोटो वीडियो, उनको पैसा मिलता है ना, वो वजह से तो वो अपना फोटो वीडियो निकालते हैं और उसी को हाईलाइट करते हैं। 6 महीने से ये तकलीफ चालू है और लेकिन कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। सुबह में तुम यहाँ 5:30 बजे पक्का आओ तो तुमको खुद को पता चलेगा कि पानी कितना। आएंगे हम इंशाल्लाह, आएंगे सुबह 5:30 बजे आओ। ठीक है चाचा, आएंगे। तो ये थी यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो काफी परेशान है पानी से, गटर के ड्रेनेज के लाइन से, और कोई इनको सहायता भी नहीं मिल रही है।